आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में क्लास नाइन्थ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक को कवर करेंगे हम लोग और एक्सरसाइज 2.2 फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जानने वाले हैं क्या जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जानने से पहले हम कोई एक पॉलिनोमियल यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स बी अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है, आप डिग्री टू या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप कह सकते हो। अगर मान लो हम रिप्लेस कर दें, इफ वी रिप्लेस एक्स बाय टू, अगर एक्स को यहाँ टू से रिप्लेस करें तो वैल्यू क्या मिलेगी। एक्स के जगह पे हम टू रखेंगे तो ये मिलेगी टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, फोर माइनस टेन प्लस सिक्स मीन्स 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू मिलने वाली है। मीन्स एक्स को हमने 2 से रिप्लेस किया तो वैल्यू मिली क्या, जीरो। सिमिलरली इफ वी रिप्लेस एक्स बाय 1, अगर एक्स को 1 से रिप्लेस करें तो पी 1 क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 617 माइनस 5 इक्वल टू 2। तो ये जो वैल्यूज मिल रही हैं, जैसे 2 से रिप्लेस करने पे 0 मिल रहा है, 1 से रिप्लेस करने पे 2 मिल रहा है, तो इनको कहा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1। मीन्स जिस वैल्यू से रिप्लेस आप कर रहे हो उस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की ये वैल्यू दे रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच वैनिसेज द होल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स ऐसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को वैनिस कर दे, जीरो कर दे, उस वैल्यू को हम कहेंगे इट इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इन दिस केस एक्स इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स इक्वल टू 2 जब हमने पुट किया तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट एक्स इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बिकॉज P1 इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हुई, पॉलिनोमियल खत्म नहीं हुआ, कोई वैल्यू मिल रही है, डेफिनेट कोई रियल नंबर वैल्यू मिल रही है, 2 मिला। तो हम 1 को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन एक्स इक्वल टू 2 को हम क्या कह सकते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहा जाएगा, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विच वैनिस द होल पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और इन अदर वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं, इफ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल, जैसे हमने यहां पे लिया था, एंड पी ए इज इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 2, यानी पी ए हमने यहां पी ए को पी 2 लिखा है, कितना हो गया 0, देन वी से दैट A इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, तब हम क्या कह सकते हैं x इक्वल टू 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये क्लियर है टॉपिक। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड एट x इक्वल टू 2। इन पॉइंट्स पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल का एक नाम दे देते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में हमने इसको अरेंज कर लिया, तो मिला क्या, सबसे पहले 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब x इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए, तो x को रिप्लेस करेंगे 0 से, एट x इक्वल टू 0 मिलेगा क्या, पी 0, ये होगा पूरा 0, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 3, हमारा आंसर आया 3। तो हमारा आंसर होगा एट x इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। सेकेंड है एट x इक्वल टू माइनस 1, तो p माइनस 1, x को रिप्लेस करना है किससे, माइनस 1 से, तो क्या मिलेगा हमको,
माइनस फोर इंटू माइनस वन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस वन प्लस थ्री। फाइनली मिला क्या, ये प्लस वन हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, प्लस वन इंटू माइनस फोर होगा माइनस फोर, माइनस फाइव प्लस थ्री, माइनस नाइन प्लस थ्री कितना हुआ माइनस सिक्स। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस सिक्स। एट एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पे क्या होगा पी टू, टू पुट करना है, तो माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू प्लस थ्री, ये हुआ फोर, फोर जार सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन प्लस टेन प्लस थ्री, माइनस सिक्सटीन प्लस थर्टीन इक्वल टू माइनस थ्री। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू टू। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की, तो क्वेश्चन नंबर टू में भी इनडायरेक्टली हमको यही निकालना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू। मीन्स उसी को हमको इस फॉर्म में लिखना है, पी जीरो पी वन पी टू। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल जो गिवन है उसमें रिप्लेस करेंगे y को किससे, जीरो से। पी जीरो निकालेंगे तो क्या आएगा हमें, यहाँ y की वैल्यू जीरो रखा हमने, माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। सिमिलरली पी वन कितना होगा, वन का स्क्वायर वन, माइनस वन प्लस वन, वन एंड माइनस वन हैज कैंसल्ड आउट एंड फाइनली वी गेट वन। तो वैल्यू ऑफ p0 इज इक्वल टू 1 एंड p1 इज इक्वल टू आल्सो 1। अब p2 कितना होगा, यहां 2 से रिप्लेस करते हैं इसको, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। हमें सिंपली करना क्या है, जो वेरिएबल है उसको उस गिवन रियल वैल्यू से, रियल नंबर से रिप्लेस कर देना है। तो यहां मिला हमको 4 माइनस 2 प्लस 1 और 4 प्लस 1 फाइव, माइनस 2 इक्वल टू 3। तो ये p2 की वैल्यू हो गई। सेकेंड पार्ट है इसी का, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड, ये टी वेरिएबल में है, पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। पी जीरो की वैल्यू निकालनी है, टी को रिप्लेस करते जाएंगे जीरो से, तो मिलेगा टू प्लस जीरो माइनस जीरो, फाइनली वी गेट टू। सिमिलरली पी वन क्या होगा, पी वन निकालने के लिए हम वैल्यू को टी को रिप्लेस करेंगे वन से, तो क्या मिलेगा टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब। तो ये मिला टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, टू प्लस टू फोर, ये हमारा आंसर हुआ है। सिमिलरली P2 निकालना है, तो अब T को रिप्लेस किससे करेंगे, टू से, T को रिप्लेस करेंगे टू से, तो टू को T के जगह पे हमको क्या लिखते जाना है, टू, तो मिलेगा टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब। तो ये हुआ टू टू फोर और फोर टू जार एट, टू प्लस टू प्लस एट माइनस एट, एट एट कैंसिल, इसकी भी वैल्यू आई फोर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर टू के दो पार्ट्स हमने सॉल्व किए, रिमेनिंग पार्ट्स आपके लिए छोड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं जिनको आप खुद से करोगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू निकालनी है, फिर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग जीरोज, फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आपको सिर्फ वेरीफाई करना है थर्ड क्वेश्चन में कि जो गिवन वैल्यू है इसके सामने, इंडिकेटेड वैल्यू है, वो इसका जीरो है कि नहीं। तो कोई भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो कब होता है, जब उसकी वैल्यू को वो जीरो कर दे, वैनिश कर दे। तो यहाँ पे हमको बस वैल्यू निकाल के चेक करते जाना है कि वैल्यू जीरो हुआ कि नहीं। तो वैल्यू जीरो करते जाना है, जीरो चेक करते जाना है, तो पहले वैल्यू निकालते हैं। आइए, px इक्वल टू एक्स, थ्री एक्स प्लस वन गिवन है और x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री, इसको चेक करना है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो p माइनस वन बाई थ्री यानी x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे। अगर जीरो आ गई तो हम कहेंगे कि x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अदरवाइज इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, थ्री एंड थ्री हैज कैंसिल्ड आउट, माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। पी माइनस वन बाई थ्री क्या आया, जीरो। और जब जीरो आया ये, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। सिमिलरली पी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स माइनस
पाई गिवन है, x इक्वल टू 4 बाई 5 पे चेक करना है। तो 5 इंटू 4 बाई 5 माइनस पाई, 5 एंड 5 हैज कैंसिल्ड आउट, वी गेट 4 माइनस पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। तो 4 में से दोनों ही वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 तो नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0। हेंस x इक्वल टू 4 बाई 5 इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। px का ये 0 नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1 दोनों पे चेक करना है। वैल्यू पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 1, तो आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। हेंस इट इज 0 ऑफ px, ये पॉलिनोमियल का 0 है। माइनस 1 पे चेक करते हैं तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही होता है, हेंस इट इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल px, ये भी पॉलिनोमियल का 0 है। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन तक कवर किया। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। इसमें px इक्वल टू lx प्लस n दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है इसलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस m बाई l पे चेक करना है कि ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो x को रिप्लेस करेंगे माइनस m बाई l से, तो मिलेगा l इंटू माइनस m बाई l प्लस n, ये कैंसिल आउट हुआ तो मिला क्या हमें n माइनस m, l l कैंसिल आउट हुआ n माइनस m मिला, विच इज नॉट इक्वल टू 0। n माइनस l विच इज नॉट इक्वल, सॉरी ये क्वेश्चन में lx प्लस m है, तो x इक्वल टू माइनस m बाई l पे चेक करेंगे, रिप्लेस किया हमने तो l से l कैंसिल हुआ, माइनस m प्लस m मिलेगा यहाँ पे और ये कैंसिल होंगे तो मिलेगा 0। हेंस x इक्वल टू माइनस m बाई l इज 0 ऑफ px, पॉलिनोमियल का 0 है। अब सेवन पार्ट देख लेते हैं इसका। px इक्वल टू 3x स्क्वायर है, x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 पे चेक करना है, तो ये होगा 3 इंटू माइनस 1 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 बाई 3 हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये कैंसिल हुआ 0 आया। दिस शोज दैट x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज 0 ऑफ px, ये भी px का 0 है। एंड सिमिलरली 3 इंटू 2 बाई रूट 3 स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 3 इंटू 4 बाई 3 माइनस 1, ये आया 3 नॉट इक्वल टू 0। दिस शोज दैट 2 बाई रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ px, ये px का 0 नहीं है। तो इस तरह से हमने कवर किया इतना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्चुअली करना क्या है, फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को देखिए। 0 ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वैनिसेस, या पॉलिनोमियल वैनिसेस, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए वो उसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कहलाती है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। तो टू फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल वी पुट px इक्वल टू 0, जब तक px 0 नहीं होगा तब तक 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकलेगा नहीं, तो हम px इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। px की वैल्यू कितनी है, x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ट्रांसपोजिंग सिंपल आपको आता ही होगा, प्लस 5 को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाएंगे तो मिलेगा x इक्वल टू माइनस 5, हेंस x इक्वल टू माइनस 5 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का 0 है। एंड सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहां ड्रॉप कर रहे हैं हम, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। px इक्वल टू 2x प्लस 5 है, तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, अनपुटिंग px इज इक्वल टू 0, मीन्स 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है 0 ऑफ पॉलिनोमियल या px इक्वल टू 0 इक्वेशन दोनों सेम है। तो px इक्वल टू 0 हमने पुट किया तो क्या मिला, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 5, अब 2 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 5 बाई 2, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। px इक्वल टू cx प्लस d है, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स, ऑन पुटिंग px इक्वल टू 0 देन वी गेट cx प्लस d इक्वल टू 0, देन cx इक्वल टू माइनस d, देन x इक्वल टू माइनस d बाई c इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।